जब भी हम नाली वगैरह की कोई समस्या होती है ना, अगर उनको जाकर बताएंगे तो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं और वो सफाई कर्मचारियों को अपने को भेजते हैं। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम में, अच्छा। सही काम चल रहा है उनका तो। आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, काम करवा रहे हैं, बढ़िया काम करवा रहे हैं। मैडम आप यहीं रहते हैं इसी एरिया में? हमें हो गए हैं 36 साल। 36 साल हो गए हैं। तो निगम पार्षद कौन है आपका, जानते हैं आप? निगम पार्षद यही तो है ना, ये राजू है। राजू का काम कैसा है क्षेत्र में, साफ सफाई को लेकर, दवाइयों के छिड़काव को लेकर? कभी मिलते हैं, आते हैं, जायजा लेते हैं? आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, काम करवा रहे हैं, बढ़िया काम करवा रहे हैं। काम तो ठीक ही चल रहा था। सफाई को लेकर, बीमारियों के दवाइयों छिड़काव को लेकर कैसा? दवाइयों का तो अभी आई थी हफ्ते भर में, गाड़ी पहले एक दिन आई थी, दुआ उड़ा के गई है। उसका तो देख ही रहे हो आप, कहीं पर नालियाँ देखो। आइए आप क्या कहेंगे, जो निगम पार्षद युवा नेता हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, 3 साल हो गए? नहीं, काम तो ठीक है उनका, और जगह जगह मतलब विजिट भी करते रहते हैं बार बार, और जगह जगह अपना अपडेट भी रहता है। कोई शिकायत? नहीं, शिकायत तो कोई नहीं है, बस कोई नहीं है। और भावना कोर्ट कैसा काम कर रही है? भावना कोर्ट तो खैर अभी दिखी नहीं एरिया में, ना उनका कोई वॉलंटियर वगैरह कोई दिखा इस एरिया में। भावना कोर्ट ये कि दिखती नहीं है ना, दिखती नहीं, इनको कोई वॉलंटियर भी नहीं है यहाँ पे, ना कुछ अपडेट है इनका कोई कि मतलब क्या है, कुछ पूछे भी आके एरिया में कि मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, तो ऐसा उनको कुछ भी नहीं मिलता। और पब्लिक टच की बात करें तो निगम पार्षद ठीक काम कर रहे हैं? निगम पार्षद तो विजिट करते रहते हैं, अगर मिलते रहते हैं, मगर उनका काम भी। 3 साल हो गए हैं निगम के चुनाव को, जो निगम पार्षद राजकुमार हैं, दवाइयों के छिड़काव को लेकर, कूड़े की सफाई को लेकर कितना साफ सफाई लेकर काम हो रहा है? काम तो होता है, वो आते हैं खुद अपने हाथ पाते हैं। अच्छा। खुद ही अपना गाइड करते हैं। अच्छा, खुद ही आते हैं, खुद ही करते हैं छिड़काव वगैरह? छिड़काव अपने हाथ से ही करते हैं। अच्छा। मगर भावना गोड़ का हमने नहीं देखा। देखो झाड़ू वाले भी प्रॉपर आ रहे हैं, जो मेरा एरिया लगता है यहाँ तो ये भाई लोग बता सकते हुए थे, लेकिन जो मेरा एरिया झाड़ू वाले, और जब भी हम नाली वगैरह की कोई समस्या होती है ना, अगर उनको जाकर बताएंगे तो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं और वो सफाई कर्मचारियों को अपने को भेजते हैं। पार्षद हैं निगम पार्षद राजकुमार, उनका काम कैसा है क्षेत्र में, उनके अंतर्गत जो काम आता है साफ सफाई को लेकर, बीमारियों के छिड़काव को लेकर, उनका काम कैसा है? सर ये तो मैंने आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं कि वो काम कुछ भी यहाँ के एक बार सर्वे भी कर जाए, ये भी बड़ी मुश्किल से होता है। और वो भाई अभी तो कुछ भी नहीं है, साफ सफाई की बात रही तो वो तो बहुत दूर की बात है। कूड़े की जो गाड़ी है वो प्रॉपर डेली आती है। और बात करें विधायिका की, भावना गौड़ की, उसका कैसा काम लगा? हाँ, भावना गौड़ जी का ये है, ये सड़कें जो बनी हैं, सड़कें बन गई है और ये नाली वगैरह जो भी है उन्होंने ढकी है, लेकिन मेरे यहाँ जो है ना 6-7 महीने हो गए हैं सड़क बने हुए, और वो नाली ना बनने की बजाय नाला बना है। निगम पार्षद का तो काम तकरीबन अब काफ़ी सुधार में है। झाड़ू वाले भी ये अपना मतलब सीवर ब्लॉक होता है, कंप्लेंट जाती है, कंप्लेंट गई है आज तो कल नहीं तो परसों तक काम हो जाता है। जो आपके निगम पार्षद हैं राजकुमार जी, साफ सफाई को लेकर, बीमारियों की दवाइयों को लेकर कितना काम कर रहे हैं? ये तो अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम में। अच्छा। सही काम चल रहा है उनका तो। डेली बेसिस पर कूड़ा वूड़ा उठाया जाता है? हाँ, कूड़ा तो रोज उठाए जाते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, सारा कूड़ा उठाया जाता है। साफ सफाई को लेकर, बीमारियों के छिड़काव को लेकर कितना काम क्षेत्र में हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, कभी कभार मतलब वो 2 महीने में कोई आके कर गया 19-20, तो उससे क्या होता है। अब जैसे आजकल टाइम है मच्छरों का है, तो भाई कंटिन्यू होता रहना चाहिए, सफाई वाले आए तो गाड़ी तो सफाई आती है, लेकिन हमारे रोड इसलिए के लिए सफाई हो सके, दूसरा बाकी छिड़काव जो होता है वो नहीं हो रहा छिड़काव हमारे यहाँ। और निगम पार्षद हमारा, उसके यहाँ कभी दर्शन नहीं होते, नाम के निगम पार्षद हमने उस देखा नहीं, उनको शक्ल देखे भूल गए उसकी।